Good morning, students. You are watching Education Arena, and I welcome to all of you. शुभ प्रातः बच्चों, आज हम कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 11 ईदगाह से भाषा की बात करेंगे। तो क भाग देखें, एक से अनेक, एक अनेक। हम लोग वचन बदलना सीख रहे हैं। जैसे आपके पास एक खिलौना है, अगर ज़्यादा होता तो आप क्या बोलते हो? मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। तो आपको ये पहले से आता है, ये कोई नया नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको स्वरों की मात्राओं का ध्यान रखना है। जैसे पहला शब्द है दुकान, दुकान अ की ध्वनि पे ये ख़त्म हो रहा है जो शब्द है, तो इस पे हम ए की मात्रा लगा देंगे और अंक की बिंदु लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? दुकाने। उसके बाद देखो चिमटा, आ, तो ये आ की ध्वनि पे ख़त्म हो रहा है, इस पे भी ए की मात्रा लगाएंगे लेकिन यहाँ बिंदु नहीं लगेगी। चिमटा, चिमटे। कोठरी, तो आप पीछे देखो बड़े ई की मात्रा पे ये ख़त्म हुआ है शब्द, तो जब भी आपको बड़े ई की मात्रा पे ख़त्म हुए शब्दों का वचन बदलना हो तो आप क्या करोगे? इस शब्द की मात्रा को छोटी मात्रा, छोटे ई की मात्रा में बदल के और पीछे या जोड़ दोगे, तो कोट रिया। अगला भी ऐसा ही है, टोली, टोलियां। गेंद, गेंदें। अ पे ख़त्म हुआ ना, तो ए की मात्रा लगा के अंक की बिंदु जोड़ी हमने। बूंद, बूंदें। रेवड़ी, बड़े की मात्रा है तो रेवड़ियां। मिठाई, मिठाइयां। जो आपकी ये जो बड़ी ई है आखिरी में मिठाई के, इसको हम छोटी ई में बदल देंगे और पीछे या जोड़ देंगे। अब आप नीचे आओ, र और री, री से ऋषि है ना, तो अब हम इनकी मात्राएं देखेंगे। तो हम र और री की मात्रा को देखेंगे। बच्चों नीचे र का चिन्ह देखो, और वृक्ष शब्द में व के नीचे री की मात्रा है, ठीक है। अब हम र वाले शब्द और री वाले शब्दों को जानेंगे। र की मात्रा कैसे लगती है? एक डंडे की तरह, और शब्द के नीचे लगेगी। री की मात्रा भी नीचे लगेगी लेकिन थोड़ी सी घुंडीदार, घुमा के। तो अब हम आपके पाठ से ही शब्द ढूंढेंगे, या आपको कहीं और से भी मिलते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे हमने एक शब्द देखा था प्रभात, प्र, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं र वाले शब्दों को? प्रभात, क्रम, द्रव्य, प्रण, तो उसी शब्द के साथ ऐसी ध्वनि द्र, प्र, भ्र, ऐसी ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद री वाले शब्द देखो पृथ्वी, तो वहाँ कैसे बोल रहे थे? क्र, यहाँ कैसे बोल रहे हैं? प्री, पृथ्वी। कृषि, क्रि, क्रि। सृष्टि, दृष्टि। वृद्धा, तो इन दोनों ध्वनियों में फर्क है। तो आगे से आप शब्द को ध्यान से सुनना और तब उसके नीचे मात्रा का प्रयोग करना। इसके नीचे देखो सूर्य आकाश में चमकता है, सूरज की रोशनी तेज होती है। उपयुक्त वाक्य में आए शब्द सूर्य और सूरज का एक ही अर्थ है। जैसे आप अपने आसपास किसी शब्द को सोचो, आपके घर में मटका होता है ना, बहुत से लोग उसको घड़ा भी बोलते हैं।
या हम पेड़ बोलते हैं, लेकिन कई जगह हम उसे वृक्ष भी पढ़ते हैं। बहुत से लोग आसमान बोलते हैं, बहुत लोग आकाश बोलते हैं। प्रकाश, रोशनी, आप बोलते हो आज तो बहुत तेज़ रोशनी है। जो शुद्ध हिंदी भाषी होते हैं वो ज़्यादातर कहते हैं आज तो प्रकाश बहुत ज़्यादा है। नदी, तटिनी, ये शायद आपके लिए नया होगा क्योंकि वो तट के साथ साथ चल रही है, तटिनी, सरिता। तो अब हम पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं जिनको हम समान अर्थ देने वाले शब्द भी कहते हैं। तो कोई आपको कहे कि इनके समानार्थक शब्द बताओ या इनके पर्यायवाची शब्द बताओ, जैसे वृक्ष, तो एक आपको पता है पेड़, दूसरा क्या लिखोगे, तरु। वृक्ष, पेड़, तरु, वृक्ष का चित्र बनाओ, उसमें तीनों शब्दों को लिख दो ताकि अगली बार आप पेड़ की फोटो देखो तो आपको तरु और वृक्ष शब्द भी याद आए। आकाश, गगन, नभ, आसमान, आपको जो आसान लगे। तो ऊपर बादल बनाओ, बहुत सारे बादलों से आसमान बनता है, तो आप वहाँ पे लिख दो आकाश, गगन, नभ, आसमान, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। दिन, दिवस, दिवा, प्रकाश, तो एक सूरज बनाओ, उसकी जो किरणें निकलती हैं उन किरणों पे लिखना, रोशनी, उजाला। नदी, नीचे एक नदी बनाओ और वहाँ लिखो सरिता, तटिनी। तो अब ये देखो कि एक सीनरी तैयार होगी, नीचे नदी बह रही है, आप वहाँ बोलो सरिता तटिनी बह रही है, उसी के किनारे पेड़ बना दो, वहाँ लिखो वृक्ष और तरु नदी के किनारे खड़े हैं। आकाश, गगन, नभ में पक्षी उड़ रहे हैं। दिन, बहुत अच्छा है, तो वहाँ लिख दो दिन, दिवस, दिवा। सूरज बनाओ, वहाँ से किरणें निकाल के लिखो आज तो बहुत रोशनी है, उजाला है। तो आपके सारे शब्दों के पर्यायवाची आपको वैसे ही याद हो गए, आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है बच्चों, इन्हें ज़रूर याद करना।